हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हम लोग क्लास 11th एनसीईआरटी सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 5.2 व्हिच इज बेस्ड ऑन फोडर फॉर्म डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, जो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, दैट इज ए प्लस बी आयोटा, जेड इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ अगर आपको उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म को ही हम पोलर फॉर्म का नाम देते हैं यहां पर। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ए जो है दैट इज बेसिकली इक्वल टू आर कॉस थीटा, और जो बी आपके पास है दैट इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो आपके पास पोलर फॉर्म आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा आयोटा होती है, जहां पर आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी है, दैट इज आर एंड थीटा। आर इज नोन एज मॉडुलस एंड थीटा इज नोन एज आर्ग्यूमेंट। तो आपको इन दोनों चीजों को कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म से, ताकि आप उसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। तो देखते हैं स्टेप वन में आपको क्या करना पड़ेगा। स्टेप वन में आपको आर निकालना है विच इज मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ जेड कैसे निकालते हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी जो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा उसका रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर से आपके पास मॉडुलस आ जाता है, जिसे हम लोगों ने यहां पर आर कहा है। नाउ स्टेप टू में आप लोगों ने क्या करना है, थीटा निकालना है। थीटा डायरेक्ट नहीं निकलेगा आपके पास, हम लोग उसे अल्फा निकालेंगे पहले। तो अल्फा निकालने का हम लोग आपको तरीका बता रहे हैं, टेन इनवर्स बी बाय ए। देखिए, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है वो अभी तक आप लोगों ने पढ़ी नहीं है, ट्वेल्थ क्लास में आएगी, लेकिन ऐसा कोई बहुत टफ कंसेप्ट नहीं है जो आप समझ नहीं सकते हैं। बस इतनी सी बात होती है कि जब ट्रिग्नोमेट्री आपको गिवन होता है तो 10-30 डिग्री की वैल्यू आपके पास 1/√3। नाउ ये 10 जब यहां चला जाएगा तो दैट इज बिकम इनवर्स। नाउ 10 इनवर्स 1/√3। तो पहले आपके पास डिग्री गिवन होती थी तो आप वैल्यूज बताते थे, अब इनवर्स ट्रिगो में वैल्यूज गिवन होगी एंड आपको क्या बताना है, डिग्री बताना है कि कौन से डिग्री पर 1/√3 उसकी वैल्यू होती है। और देखिए, हम लोगों ने यहां पर थीटा नहीं लिखा है, यहां पर अल्फा निकला है। अल्फा के बाद थीटा आपको निकालना पड़ेगा। देखते हैं किस तरीके से उसे हम निकालेंगे। तो सबसे पहले अल्फा का फॉर्मूला क्या है आप लोगों के पास, अल्फा का फॉर्मूला है आपके पास 10 इनवर्स बी बाय ए। नाउ बी क्या है, वही आपके पास कोफिशियंट, आयोटा वाले का कोफिशियंट, और ये आपके पास रियल पार्ट बी बाय ए। जो भी वैल्यू आपके पास अल्फा की आपके सामने आएगी, फिर आपको ये चेक करना है स्टूडेंट कि ए और बी कौन से क्वाड्रेंट में पड़ते हैं, उनके साइन क्या है आपके पास। तो आप साइन ऑब्जर्व करेंगे, अगर ये दोनों ही वैल्यूज पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो थीटा अल्फा के इक्वल होगा। अगर आपके पास ए नेगेटिव बी पॉजिटिव तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो थीटा पाई माइनस अल्फा होगा, पाई मींस 180। अगर आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में यानी ए भी नेगेटिव और बी भी नेगेटिव, देन थीटा इक्वल्स टू माइनस पाई प्लस अल्फा। और अगर आपके पास ए पॉजिटिव बी नेगेटिव आता है तो थीटा आपके पास माइनस अल्फा के इक्वल होगा। तो ये आपके पास एक तरीका है पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। मेथड्स कैन बी डिफरेंट, ओके, तो टीचर टू टीचर वेरी करते हैं आपके पास मेथड्स, एक्सप्लेनेशन जो होती है वो वेरी कर सकती है आपके पास। तो देखते हैं हम क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे। ये दो स्टेप आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर वन आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपसे कहा जाता है कि मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट निकालिए। नाउ मॉडुलस मीन्स आर या मॉडुलस जेड, और आर्ग्यूमेंट मीन्स थीटा आपको निकालना है। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर की, ए की वैल्यू -1 और बी की वैल्यू -√3। सबसे पहले आप आर निकालेंगे, आर मीन्स मॉडुलस जेड, दैट इज रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ ए की वैल्यू -1, उसका स्क्वायर कर दीजिए, -√3 का स्क्वायर दैट इज 3, दैट इज √4। वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2। तो आपके पास आर निकल कर आ चुका है। अब आपने थीटा के लिए सबसे पहले क्या निकालना है, अल्फा। नाउ अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स बी बाय ए, तो बी की वैल्यू -√3, हमने यहां मॉडुलस लगाया है, दैट मीन्स नेगेटिव को इग्नोर कर दिया जाएगा, वो पॉजिटिव बन जाएंगे, -√3/-1, दैट इज बिकम 10 इनवर्स √3। अभी आपको बताया कि 10 इनवर्स क्या इंप्लीकेशन देता है, कि 10 की वैल्यू √3 कौन से एंगल पर होती है, ट्रिग्नोमेट्री का अपोजिट हो गया है आपके पास। तो 10 √3 कौन सी डिग्री पर होता है, 60 डिग्री पर। 60 डिग्री इन रेडियन फॉर्म मीन्स पाई बाय 3, पर ये तो अल्फा है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, थीटा। तो आपने यहां नहीं रुकना, अभी आगे भी आपने काम करना है। इसके लिए आप ए और बी के साइन ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट। तो देखिए, आपके पास ए भी नेगेटिव है, बी भी नेगेटिव है, तो अगर ए भी नेगेटिव बी भी नेगेटिव तो कौन से क्वाड्रेंट में आपके पास आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आपके पास आ रहा है
तो थीटा कैसे निकलेगा, माइनस पाई प्लस एल्फा, तो थीटा इक्वल टू माइनस पाई प्लस एल्फा, एल्फा की वैल्यू आपके पास पाई बाय थ्री है, आप सॉल्व करेंगे माइनस टू पाई बाय थ्री, आपके पास थीटा यानी आर्ग्यूमेंट की वैल्यू आ गई, थीटा भी आपके पास आ गया और आर की वैल्यू भी आपके पास आ गई। थोड़ा सा समझ में आया होगा, और इस तरीके के क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, देखते हैं आपको और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, z इक्वल टू माइनस रूट थ्री प्लस आयोटा। तो सबसे पहले आप कंपेयर कर a की वैल्यू निकाल लीजिए, दैट इज माइनस रूट थ्री, b की वैल्यू निकाल लीजिए, दैट इज वन। नाउ r मॉडुलस कैसे निकलेगा आपके पास, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नाउ माइनस रूट थ्री का स्क्वायर थ्री एंड दैट इज वन का स्क्वायर, तो आपके पास r की वैल्यू आ गई टू। नब आपको थीटा निकालना है क्योंकि r तो आपके पास आ चुका है, और थीटा निकालने के लिए पहले आप क्या निकालेंगे, अल्फा। नाउ अल्फा की वैल्यू टेन इनवर्स बी बाय ए, मॉडुलस में बी की वैल्यू आपके पास वन, ए की वैल्यू माइनस रूट थ्री, जो कि आपके पास पॉजिटिव हो जाएगी, टेन इनवर्स वन बाय रूट थ्री। अब आपको क्या बताना है कि टेन वन बाय रूट थ्री कब होता है, इस पूरे का आंसर आपको बताना है, टेन वन बाय रूट थ्री कब होता है, थर्टी डिग्री पर। तो इस पूरे का आंसर आपके पास आ गया थर्टी डिग्री, और थर्टी डिग्री रेडियन फॉर्म में लिखा जा सकता है पाई बाय सिक्स। लेकिन आपने अल्फा पर नहीं छोड़ना क्योंकि आपने तो थीटा निकालना था। अब आप क्या करेंगे, अब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ए और बी का साइन क्या है। तो देखिए, ए का साइन नेगेटिव और बी का साइन आपके पास प्लस, तो माइनस प्लस अगर आपके पास है तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थीटा किसके इक्वल है, पाई माइनस एल्फा के, और एल्फा की वैल्यू पाई बाय सिक्स, वी गेट फाइव पाई बाय सिक्स एज अ थीटा एज एन आर्ग्यूमेंट। तो बस ये याद कर लीजिए आपके पास कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा अल्फा के ही इक्वल होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा पाई माइनस अल्फा के इक्वल होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई प्लस अल्फा के इक्वल होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा होता है। ना क्वेश्चन नंबर थ्री ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन है उसमें आपसे कहा गया है कि अब आपने इनको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, पोलर फॉर्म में भी कन्वर्ट करने के लिए आपको आर और थीटा की ही जरूरत पड़ती है। तो हम लोग यहां पर भी क्या करेंगे, r और थीटा कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, आपके पास क्वेश्चन है वन माइनस आयोटा, तो आपके पास a की वैल्यू वन और b की वैल्यू माइनस वन, आयोटा नहीं क्योंकि इमेजिनरी पार्ट से पहले वाला पार्ट आपके पास b होता है, दैट मीन्स माइनस वन। तो आप r निकाल लीजिए, r कैसे निकलेगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ a की वैल्यू वन और b की वैल्यू माइनस वन, तो आपके पास कितना आ गया, r रूट टू आ गया। आर निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, थीटा निकालना है। थीटा निकालने के लिए पहले हम क्या निकालेंगे, अल्फा निकालेंगे। तो अल्फा का फॉर्मूला टेन इनवर्स बी बाय ए, नाउ बी की वैल्यू माइनस वन, ए की वैल्यू वन, मॉडुलस की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा। टेन वन कौन से डिग्री पर होता है, इसको ऐसे रीड करते हैं हम लोग, टेन वन वैल्यू कब कैरी करता है, 45 डिग्री पर, और रेडियन फॉर्म में 45 डिग्री को कैसे, पाई बाय फोर की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। अब अल्फा तो आपके पास आ गया, बट आपने क्या निकालना है, थीटा। तो इसके लिए आप साइन चेक करेंगे कि ए और बी के साइन कैसे हैं। देखिए, ए प्लस है और बी आपके पास नेगेटिव है। अगर आपके पास प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन होता है तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस अल्फा के इक्वल होता है। तो यहाँ थीटा किसके इक्वल हो गया, माइनस अल्फा। नाउ अल्फा की वैल्यू पाई बाय फोर, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, माइनस पाई बाय फोर। नाउ पोलर फॉर्म इज आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा आयोटा, आर की वैल्यू रूट टू, थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाय फोर, आर की वैल्यू रूट टू, थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाय फोर। आप आंसर यहां पे भी ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन आप ट्रिग्नोमेट्री के नेगेटिव एंगल्स भी पढ़ चुके हैं। कॉस के अंदर जो नेगेटिव होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कॉस नेगेटिव को बाहर नहीं निकालता, नेगेटिव ऑब्जर्व कर लेता है। तो यहां पर आपके पास कॉस पाई बाय फोर रह जाएगा, और साइन जो है वो नेगेटिव को बाहर निकाल देता है। तो माइनस पाई बाय फोर में से ये जो माइनस है ये साइन से बाहर आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल स्टेप हो सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में भी आपको यही करना है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है माइनस वन प्लस आयोटा। नाउ ए की वैल्यू माइनस वन और बी की वैल्यू वन, तो सबसे पहले आर निकाल लीजिए। आर की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ ए की वैल्यू माइनस वन का स्क्वायर वन, बी की वैल्यू वन का स्क्वायर वन, ये भी आपके पास रूट टू आ गया। नाउ थीटा निकालना है, थीटा निकालने से पहले आप अल्फा निकालेंगे। अल्फा का फॉर्मूला टेन इनवर्स बी बाय ए, नाउ बी की वैल्यू वन और ए की वैल्यू माइनस वन, नेगेटिव इग्नोर हो जाएगा क्योंकि आपके पास मॉडुलस है, तो टेन इनवर्स वन। नाउ टेन इनवर्स वन कब होता है आपके पास, पाई बाय फोर, 45 डिग्री, तो आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई।
अब थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो आपने देखा कि x की वैल्यू नेगेटिव, a की वैल्यू नेगेटिव और b की वैल्यू पॉजिटिव, तो ऐसा क्या कब होगा आपके पास? सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आपके पास आ रहा है तो थीटा किसके इक्वल है? पाई माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू पाई बाय फोर। कितना आ गया आपके पास थीटा? 3π/4। नाउ पोलर फॉर्म इज आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा आयोटा। आर की वैल्यू √2 एंड थीटा की वैल्यू 3π/4। नाउ दिस इज √2 कॉस 3π/4 प्लस √2 साइन 3π/4 आयोटा। आई होप इट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपके पास है जेड -1 माइनस आयोटा। तो ए की वैल्यू -1 और बी की वैल्यू -1। तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे? आर निकालेंगे विच इज मॉडुलस, तो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, तो ये आपके पास √2 आ गया। नाउ थीटा निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? अल्फा निकालेंगे। अल्फा को हम क्या अज्यूम करते हैं? टेन इनवर्स बी बाय ए। बी की वैल्यू -1, ए की वैल्यू -1, मॉडुलस की वजह से नेगेटिव हट जाएगा, आपके पास क्या रह जाएगा? टेन इनवर्स 1। नाउ टेन इनवर्स 1 कितने डिग्री पर होता है? ये इसको ऐसे ही हम लोग रीड करते हैं, तो आपके पास 45 डिग्री, यानी आपके पास अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? पाई बाय 4। लेकिन अल्फा तो आपसे कहा नहीं गया था, आपसे तो थीटा कहा गया था। तो क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? माइनस माइनस। अगर आपके पास माइनस माइनस है तो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा? देखिए यहां पर आपके पास प्लस प्लस, यहां पर आपके पास माइनस प्लस, हेयर इज माइनस माइनस, तो ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा किसके इक्वल है? अल्फा के। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा किसके इक्वल है? पाई माइनस अल्फा के। और थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई प्लस अल्फा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। तो यहां पर आप देख सकते हैं सिर्फ आपने माइनस लगाना है। तो आप देखिए इसको माइनस लगा दिया, इस पे माइनस लगा देंगे तो इसका साइन हो जाएगा माइनस पाई प्लस अल्फा। तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है कॉम्प्लेक्स नंबर तो आपके पास थीटा किसके इक्वल है? माइनस पाई प्लस अल्फा। हियर माइनस पाई, अल्फा की वैल्यू पाई बाय 4, आंसर इज -3π/4। तो थीटा आपके पास आ गया, आर आपने पहले ही निकाल लिया था, तो पोलर फॉर्म आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा आयोटा। नाउ आर की वैल्यू √2 कॉस -3π/4 √2 साइन -3π/4 आयोटा। अब देखिए ये जो माइनस है, कॉस इस माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी यहां से नेगेटिव बाहर नहीं आएगा, यहां रहेगा आपके पास कॉस 3π/4। और साइन जो है वो नेगेटिव को बाहर निकाल देता है, सिर्फ कॉस और सेक है जो नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर लेती है, अदरवाइज जितने भी नेगेटिव थीटा वाले हैं आपके पास वो नेगेटिव को बाहर निकाल देती है। तो आपके पास -√2 साइन 3π/4 आपकी एनसीईआरटी में आंसर यहां तक दे रखा है, आप यहां तक भी छोड़ सकते हैं, बट आप ट्रिग्नोमेट्री के लॉजिक सीख चुके हैं इसलिए आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6, जेड इक्वल टू -3। नाउ आपके पास इमेजिनरी पार्ट यहां नजर नहीं आ रहा, तो वी अज्यूम दैट इज 0 आयोटा। तो ए की वैल्यू -3 और बी की वैल्यू आपके पास 0। नाउ सबसे पहले आर निकाल लेते हैं, दैट इज √a² + b² -3 का स्क्वायर 9 एंड 0 का स्क्वायर 0। नाउ √9 is 3। आर आपके पास अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स बी बाय ए, तो बी की वैल्यू 0 और ए की वैल्यू -3। 0 upon something is 0। 10 इनवर्स 0 कब होता है? कितनी डिग्री पर? 0 डिग्री पर। तो आपके पास यहाँ अल्फा कितनी डिग्री आ गया? 0 डिग्री। अब आपको चेक करना है कि थीटा कहाँ आएगा, तो इसके लिए आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को चेक करेंगे। तो देखिए ए की वैल्यू नेगेटिव और बी आपके पास यहां पर क्या है? पॉजिटिव। तो माइनस प्लस कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा किसके इक्वल होगा? पाई माइनस अल्फा के इक्वल होगा। पाई माइनस 0, योर आंसर इज पाई। नाउ पोलर फॉर्म इज जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा आयोटा। कॉस थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू आपके पास पाई आ चुकी है और आर की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। जीरो का वैसे कोई साइन नहीं होता, लेकिन अगर हमें अजम्पशन लेनी पड़े तो हम जीरो को एक पॉजिटिव नंबर यानी इवन नंबर के तौर पर कंसिडर करते हैं। वैसे जीरो नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी नहीं होता स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7, जेड आपके पास है √3 + iota। ए की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? √3 और बी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 1। नाउ सबसे पहले आप मॉडुलस निकाल लीजिए यानी आर निकाल लीजिए, दैट इज √√a² + b² √3 का स्क्वायर 3 एंड 1 का स्क्वायर 1, योर आंसर इज 2। नाउ अल्फा निकालेंगे क्योंकि थीटा से पहले हमें अल्फा निकालना है। 10 इनवर्स b/a, बी की वैल्यू आपके पास कितनी है? 1 और ए की वैल्यू √3। नाउ 10 इनवर्स 1/√3 कौन से एंगल पर होता है? 30 डिग्री पर, विच इज π/6। अब अल्फा के बाद थीटा निकालने के लिए आपको क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा,
तो आपके पास ए और बी दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है. फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा किसके इक्वल होता है, अल्फा के इक्वल होता है. तो थीटा इक्वल टू अल्फा, दैट मीन थीटा की वैल्यू पाई बाय सिक्स. नाउ पोलर फॉर्म इज आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा आयोटा. तो आर की वैल्यू टू कॉस पाई बाय सिक्स प्लस टू साइन पाई बाय सिक्स आयोटा. क्वेश्चन नंबर एट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज, जेड इक्वल टू आयोटा. तो ए की वैल्यू आपके पास यहां जीरो है क्योंकि रियल पार्ट आपके पास है ही नहीं, और बी की वैल्यू आपके पास वन आ जाएगी क्योंकि आयोटा का कोफिशियंट आपके पास वन है. तो आर निकाल लीजिए, दैट इज जीरो स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, दैट इज वन. नाउ अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स बी बाय ए, बी की वैल्यू वन एंड दैट इज जीरो. टेन इनवर्स वन अपॉन जीरो इज इन्फिनिटी. टेन इन्फिनिटी कौन से एंगल पर होता है, 90 डिग्री पर. तो आपके पास अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाय टू, बट आपको थीटा निकालना है. तो यहां पर ए और बी दोनों के साइन क्या है, पॉजिटिव है. तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा किसके इक्वल होता है, अल्फा के इक्वल होता है. तो थीटा की वैल्यू यहां पर पाई बाय टू हो गई. नाउ पोलर फॉर्म आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा आयोटा. आर की वैल्यू आपके पास वन है और थीटा की वैल्यू आपके पास पाई बाय टू है. थैंक यू सो मच गाइस.